और आइए इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको चित्रकूट से दिखाते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पर मौजूद हैं। आरोग्य धाम अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव है, क्या कुछ कह रहे हैं? चलना ही पड़ेगा, लेकिन अंततः जब भगवान राम ने कहा मैं पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, तो विनम्रता के साथ उनके अपने पादुकाओं को लेकर माथे पे लगाकर उनके नाम पे शासन चलाना ये कहीं हो सकता तो केवल भारत में हो सकता है, हमारे अपने उस राम राज्य के काल में हो सकता है। भाई भाई से कितना प्रेम करे, कितने प्रकार से एक दूसरे का हमारे सम्मान करे, और ये जो उदाहरण है भगवान श्री राम के लिए अभी मैं प्रदर्शनी देखते आया, एक भी भगवान राम के कितने प्रकार के अलग अलग घटनाओं से जोड़ करके सुंदर अलग अलग कलाकृतियां बना करके चित्रकारी से उनका अपना जीवन को समझाने का प्रयास किया। भगवान राम के जीवन के पक्ष भी ऐसे ही, उनको जहां देखो जब देखो स्मरण करो एक अलग ही रूप में दिखाई देते। जीवन में कोई एक व्यक्ति अपने जीवन काल से कितनी प्रेरणा दे सकता है, पारिवारिक संबंधों के आधार पर आज्ञाकारी पुत्र जिनके अपने पिता से सहजता के साथ निकले हुए कुछ शब्द, महाराज दशरथ के मुंह से निकलने वाले शब्द की कठिनाई हम सब जानते हैं। मुंह से निकले शब्द, लेकिन वो शब्द निकलते निकलते प्राण निकल गए, ऐसे कष्ट से उनके मुंह से शब्द फूटे। लेकिन शब्दों को उतनी विनम्रता के साथ फूलों से भी हल्का मानते हुए अपने जीवन में ऐसे उतारा जैसे भगवान ये मान के चल रहे के वो आशीर्वाद है। और ये पता का जो आज्ञा मांगने वाला घटनाक्रम है ये सदैव हमको प्रेरणा देता है। एक मामले में ये भी माना जा सकता है कि हमारे द्वारा जीवन में ऐसे आने वाले प्रसंगों से भी जो अपने आप को निकाल कर कहां से कहां ले जाता है, और जीवन के उस घटनाक्रम को याद करें, ये नौकाएं हमको आकर्षित कर रही, भगवान का वो केवट वाला प्रसंग वास्तव में लाइट लगा करके हमारे बंधु जो अपने आजीविका भी चला रहे हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में इनके जीवन में वो घटनाक्रम घटा है 17 लाख साल पहले का, जब केवट के रूप में हमारे बीच में भगवान राम ने नौका पार करने का निर्णय किया, और नौका पार करने का प्रसंग यह हमारी आज की इस व्यवस्था में यह हमको सबक भी देता है। और ना केवल यहाँ बल्कि जंगल के अंदर आदिवासी अंचल के अंदर हरेक के साथ अपनी स्वयं की माता सीता के जाने का गम जितना था, लेकिन सुग्रीव ने अपना कष्ट बताया तो मित्र के जीवन के कष्ट को हर के उसके जीवन में सुख ला करके फिर अपने लिए कदम बढ़ा करके मूल उद्देश्य की तरफ बढ़ना। और रावण कितने शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन ऐसे महाबली रावण को उसके घर के अंदर, और रणनीति भी देखो कैसी जबरदस्त रची है, ऐसी रणनीति अपनी उस सेना के माध्यम से जो जंगल में खड़ी की, ये अपने पुरुषार्थ पराक्रम का सबसे बड़ा उदाहरण है। वो चाहते तो भरत जी से अयोध्या से सेना मंगाते, लेकिन बजाय वहां से सेना मंगाते। कोई रथ नहीं है, कोई वैसा आयुर और ऐसा कोई संस्कार उनकी व्यवस्थाओं में, हम सब जानते कितनी कठिनाई होगी भगवान राम की, लेकिन आत्मविश्वास से परिपूर्ण और ऐसे महाबली को उसके घर के अंदर, और घर के अंदर नहीं उनके अपने भगवान बजरंग बली का उदाहरण, एक एक उदाहरण, कोई व्यक्ति अपने साथ वाले को अपने उद्देश्य से जोड़कर उसके पराक्रम तक ले जा करके वो अपने एक एक काम से, एक ही काम में भगवान बजरंग बली पूरे रावण सहित लंका को चमत्कार करके आ गए। और उतने ही नहीं, एक बार नहीं कई बार ये जो आज उदाहरण बने, मैं उम्मीद कर रहा हूं आज भगवान राम को लेकर के जो रामायण का मेला लगाया जा रहा है, और आज के दौर में जब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, मुझे तो बड़ा इस बात का आनंद भी है और ये हमारे लिए प्रेरणा भी है। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, इन देशों के अंदर पूरे देश में इतनी अच्छी रामायण के, इतनी अच्छी रामलीला नहीं होती होगी, लेकिन इन मुस्लिम देशों के अंदर भी हमारे जो बंधु वहां गए उन्होंने जो भगवान राम का चरित्र गाया,
वो हमारे लिए खुलेगा एक बार जोरदार अभियान करे हमारे विदेशी महिलाओं के अंदर होती हो उनसे हमारा संस्कृति देशों के अंदर भी भगवान राम का विश्वास है हर घर जो भगवान राम का झुंड ने बनाया वो हमारे लिए खुलेगा एक बार जोरदार अभियान करे हमारे विदेशी चित्रकूट से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। ये कार्यक्रम रखा गया चित्रकूट में आरोग्य धाम अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव का आयोजन किया गया है और इसी में शिरकत करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। उनके साथ और भी कई सारे नेता इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए और भगवान राम के गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद जब हमको अपने चित्रकूट का ध्यान आता है तो चित्रकूट में उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के दोनों पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे, ऐसा करेंगे कि आनंद आ जाए। और मैं प्रशासन के अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि आप अपने विकास के इस एजेंडे में सतना जिले में सबसे पहले चित्रकूट का विकास किया जाएगा, इसकी चिंता हमको करना है। कान खोल कर सुन लो, कोई कठिनाई, कोई परेशानी, कोई बाधा भगवान राम और उनके जीवन के चरित्र को सामने लाने में सारी बाधाएं छोटी है। हमको इस तीर्थ को सबसे अच्छा बनाना है, ये हमारा संकल्प है, हमारी सरकार का संकल्प है। और ये भी इससे जुड़कर के कई प्रसंग है, हमारे लिए भारत रत्न स्वर्गीय नानाजी देशमुख को याद करना चाहेंगे जिन्होंने 1990 में एक इतने कठिन काल में जब यहाँ डाकुओं का राज था, चारों तरफ अव्यवस्थाएं फैली हुई थी, समाज का विश्वास डोल गया था, ऐसे में सभी समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना जो मन के उनके भाव थे, इस तीर्थ को विकसित करना। समाज के अंदर तीर्थ में भौतिक रचना तो बहुत बन जाती है लेकिन बजाय भौतिक रचनाओं के अधोसंरचना के साथ साथ मनुष्यों का मन भी बड़ा होना चाहिए। मनुष्य अपने सामाजिक व्यवस्था के आधार पर समाज में बदलाव ला सकता है, ये उदाहरण भी हमारे सामने पेश हुआ। मैं आज इस अवसर पर दीनदयाल स्वास्थ्य संस्थान के कुछ कामों में तो सम्मिलित हुआ हूँ, मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारी सरकार बनने के बाद सभी त्योहार हमने धूमधाम से मनाने का निर्णय किया है। एक त्योहार में धूमधाम से अभी थोड़े दिन पहले शस्त्र पूजन का काम भी मध्य प्रदेश सरकार ने अपने सभी मंत्री विधायक सांसद के साथ पूरे प्रदेश में किया था। अरे दशहरा तो वाकई में पुरुषार्थ का पराक्रम का प्रतीक है और हमारी संस्कृति में हमारे कोई देव देवता ऐसे नहीं है जिनके हाथ में शस्त्र नहीं है, तो शस्त्र की आवश्यकता भी पड़ती है। यद्यपि शांति के काल के कारण से हमारे देश की पहचान बनती है, एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री का करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो सच्चे अर्थ में आज पूरे देश के सभी दुनिया के नेताओं के बीच भारत का मान बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं, भगवान राम के भगवान काल को याद दिला रहे हैं। जब भारत शक्ति संपन्न होकर दुनिया में एक अलग रूप में जाना जाता था, आज वो समय आया है जब रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाइना का दौर हो, कोई भी कारण हो, इजराइल का युद्ध हो, सारे दुनिया के उथल पुथल भरे माहौल में अगर आशा की किरण के रूप में भारत अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने में भी समर्थ है, एक बार नहीं दो दो बार हमारे परंपरागत दुश्मन पाकिस्तान की हालत घर में घुस के खराब किए, ये नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल की विशेषता है। जोरदार अभिनंदन करो हुंकार भरने के साथ और दुनिया के अंदर के ऐसे मसलों को सुलझाने के लिए और जियो और जीने दो को भाव को लेके चलने के लिए जिस ढंग से मोदी जी अपनी सरकार चला रहा है ये हमको भी गौरवान्वित करती है। आइए हम सब मिलकर के इस बार की त्योहार हमने दिवाली में तय किया है,
कि अपनी गोवर्धन पूजा पूरे मंत्रिमंडल के साथियों सहित हमारे सभी जनप्रतिनिधि, क्योंकि हमको मालूम है हमारे इस देश की पहचान तो दूध और दही की नदियां बहती थी ऐसा माना जाता है। हमारे किसान बंधु फसल के साथ साथ अपनी आजीविका में बड़े पैमाने पर पशुपालन से होने वाले दूध उत्पादन के कारण से उनका जीवन बदलता था। हमारी सरकार बनने के बाद ये लखन पटेल जी बैठे हैं, जिनके माध्यम से हमने निर्णय किया है कि हमारे अपने दूध उत्पादन की क्षमता जो देश में 9% है, आने वाले 2-3 साल के अंदर इसको 20% ले जाएंगे। 20% दूध और दूध से बने हुए उत्पाद, दूध, दही, घी, मक्खन, सभी प्रकार के उत्पाद बनाते हुए हमारे लिए सरकार के द्वारा ये पशुपालन को प्रोत्साहन देते हुए, जैसे कि हमने औद्योगिकरण का भी संकल्प लिया है, हमारे शहरी क्षेत्र के अंदर प्रत्येक युवा के लिए वो आईटी का सेक्टर हो या किसी और प्रकार का, अगर वो तकनीकी रूप से दक्ष है तो उसको वहां भी काम मिलेगा। जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बैठा है, अगर खेती कर रहा है तो खेत में पानी मिलेगा। फसलों के वर्गीकरण के साथ फसलों के उन्नत बीज उपलब्ध कराकर उसकी आमदनी बढ़ाने का काम भी करेंगे, और साथ साथ नगद के लिए अगर वो पशुपालन करना चाहता है तो हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि उसके पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। हम जिस प्रकार से फसलों पे बोनस दे रहे हैं, उसी प्रकार से दूध खरीदने पर भी हमारे पशुपालकों के लिए बोनस का व्यवस्था हमारी सरकार ने तय किया। नाना जी ने कितना उदात्त काम किया, हमारी गौ माताओं के, देसी गौ माताओं का, कितने प्रकार के अलग अलग नस्लों की रक्षा की, गिर है, काकरोज है, और केरल की है, कौन कौन से राज्यों की, हर एक गौ माता का अपना अलग इतिहास, इसलिए वो सारी देसी गौ माताएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत से ब्राजील ने लगभग 150 साल पहले गिर नस्ल के हमारे नंदी और गौमाता के वंश को ले गए। आज ब्राजील दुनिया भर में दूध और दूध उत्पादन के मामले में एक अलग पहचान रखता है। हमारी भारतीय नस्ल का कहां से कहां तक जाने का रिकॉर्ड है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे जाने अनजाने पूर्ववर्ती सरकारों ने जो गलतियां की है, हमको उसको हटाते हुए समाज को साथ ले जाने के लिए हमने तय किया है ये गोवर्धन पूजा भी करेंगे और घर घर गौ माता को पालने के लिए प्रेरित भी करेंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। अब हमारे नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत, ये कोई खिड़क या कांजी हाउस नहीं रखेंगे, क्योंकि ये पशुओं को कैद करने की व्यवस्था है। लेकिन हमारा जो गोवंश है, हमारी कोई वृद्ध गौ माता है, लावारिस है, अपाहिज है, कोई कारण से संभालने वाला नहीं है, वृद्ध है, बूढ़ी है, ऐसी सारी गोवंश को संभालने के लिए गौशालाओं की व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा करने का निर्णय किया है। और जो गौशालाओं का अनुदान प्रति गौमाता 20 रूपया था, हमारी सरकार ने 40 रूपया प्रति गौमाता प्रतिदिन के हिसाब से अनुदान देने की घोषणा की है। यहाँ पर भी सुन लीजिएगा, जो बड़ी गौशालाएं चलाएंगे, जिनमें बड़ी क्षमता से इनको रखेंगे, शासन के नियमों का पालन करेंगे, ऐसी सभी गौशालाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ेगी, उनको हम वित्तीय मदद करेंगे। मुझे आज आनंद आया, एक विद्यालय में गया, और विद्यालय हमारे आदिवासी जनजाति सब प्रकार के गरीब वर्गों का विद्यालय है, और बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से बैठ करके आनंद आ गया। क्या उनके प्रकार से गोयनका विद्यालय वाला कैंपस था, तो आप ऐसे कैंपस के लिए, खास करके मैं उम्मीद करता हूँ सरकार की एड के मामले में, कलेक्टर आप सुन लीजिएगा, जो वहां जरूरत है वो सारी पूर्ति करना है, जो बताई वो तो करना ही है, जो नहीं बताई है वो भी पूछ के करना है। अरे हमारे यहाँ छोटे छोटे बाल रूप में, हमको नहीं मालूम इसमें कोई वर्तमान के दौर में भी भगवान राम रूप बदल के आ रहे हो, भगवान लक्ष्मण वहां पढ़ रहे हो, ये जो आनंद है हर बाल गोपाल में रामकृष्ण दिखाई देता है, ये तो सनातन संस्कृति है और यही विशेषता है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से संस्कृति मंत्रालय को अपनी बधाई देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ,
आने वाले दीपावली के पावन पर्व की आप सबको भी बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं बहुत जल्दी दोबारा मैं चित्रकूट में आऊंगा। तब तक यहां के दिए गए सभी विकास के कामों में विकास प्राधिकरण के सहित सभी काम नीचे आकर दिखाई देंगे। एक बार फिर अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम। और सुन लीजिएगा, ये मुझे ध्यान में आया कि मेरे भाई बहन इधर पीछे बैठे हैं। हो सकता है मुख्यमंत्री कारण आपने बैरिकेड लगा दिए, लेकिन मुझे सघन भी दिखाई दे रही। तो मेरे जाने के साथ मैं दोबारा नहीं आऊंगा, लेकिन रामायण देखने में तकलीफ नहीं आना चाहिए। सब हटा देना, कलेक्टर साहब बता देना इनको, ये कुछ लगना नहीं चाहिए। आनंद से जो जहां बैठे वहां देखने दो, सबको आनंद से देखने दो। सही है कि नहीं सही है देखना, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हम सब मिलकर के एक बार पूरा रामलीला का आनंद लेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबको प्रणाम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। चित्रकूट पर विशेष विज्ञान गोवर्धन पूजा और त्योहारों को विशेष रूप से मनाने के आपके दृष्टिकोण को हम नमन करते हैं। और मैं समस्त मंच पर विराजित अतिथियों से निवेदन है कि माँ मंदाकिनी गंगा के तट पर पौराणिक काल से प्रचलित दीप दान की परंपरा का निर्माण करने के लिए आप सभी पधारे, माँ मंदाकिनी तट पर विराजे और दीप दान कर दीप दान की परंपरा को पूर्ण कर उनके हम सभी भागे बने। समस्त मंचासीन अतिथियों से जरा विनम्र अनुरोध कि वे आए और दीप दान की इस वेला को यात्रा को ये चित्रकूट से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। दरअसल आरोग्य धाम अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव का आयोजन किया गया है, उसी में शिरकत करने के लिए सीएम पहुंचे हैं। उनके साथ कई और दिग्गज भी शामिल हैं। राम इस देश के जीवन मूल्य हैं और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की मंशा के अनुरूप वे अंतरराष्ट्रीय नेताओं की तालियां बजाकर। चित्रकूट की लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, महोत्सव का आयोजन जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, उनके साथ कई सारे नेतागण भी मौजूद हैं। बड़ा कार्यक्रम भी रखा गया है, कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दरअसल आरोग्य धाम अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें शिरकत करने के लिए चित्रकूट पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। संस्कृति को आगे ले जाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री देख रहे हैं, इसके जनक परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। चाहे वह कृष्ण गमन पथ हो चाहे राम गमन पथ, माननीय मोहन यादव जी ने सतत कला संस्कृति और साहित्य के उन्नयन के लिए कार्य किया है। उज्जैनी के शिप्रा तट पर आयोजित होने वाले विक्रमोत्सव का भव्य आयोजन और इस वर्ष तो 40 दिनों तक चले इस विक्रम उत्सव का हम सभी ने आनंद लिया। और अखिल भारतीय कालिदास समारोह जो आगामी 12 नवंबर से होने जा रहा है, उस आयोजन के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी सतत प्रयासरत हैं उसकी भव्यता और दिव्यता के लिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं आदरणीय भाभी जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर भगवान श्री रामचंद्र जी के पूजन हेतु पधारें। माननीय संस्कृति मंत्री, आदरणीय मंत्री महोदया प्रतिमा बागरी जी, आदरणीय मंत्री श्री लक्ष्मण सिंह जी, आदरणीय सांसद महोदय, आदरणीय स्थानीय विधायक महोदय, आप सभी से निवेदन है कि वे पधारे और सर्वप्रथम भगवान श्री रामलला को माल्य अर्पण करें। और हम आदरणीय भाई साहब से निवेदन करेंगे कि आपकी यह टीम उज्जैन की टीम बोलिए महाकाल महाराज की। मैं आदरणीय भाभी जी से निवेदन करूंगा कि माता सीता को माला पहनाए भगवान श्री रामचंद्र जी को माला अर्पण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भाभी जी से निवेदन है कि वे माता सीता को माला अर्पण करें। और पुनः निवेदन भैया लक्ष्मण को माला अर्पण करने के लिए माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, माननीय मंत्री संस्कृति विभाग आदरणीय धर्मेंद्र मोदी जी से कि वे लक्ष्मण जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आइए हम प्रारंभ करते हैं भगवान श्री राम लला की।